फ्रेंड्स, देखिए आज मैं आप लोग के लिए ये वाली बॉर्डर की पैटर्न लेकर के आई हूँ। बहुत ही खूबसूरत सा बॉर्डर का पैटर्न है। इसे आप लेडी स्वेटर या फिर बेबी स्वेटर किसी भी प्रोजेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। ये देखिएगा फ्रेंड्स, रो फर्स्ट पहला फंदा हम उतार लेंगे और एक फंदा हम इस प्रकार से सीधे बुनेंगे। फिर उनको हम आगे लेकर के आएंगे, एक फंदे उल्टे, उनको पीछे लेकर के जाएंगे, एक फंदे सीधे, उनको आगे लेकर के आएंगे, एक फंदे उल्टे, उनको पीछे लेकर के जाएंगे, एक फंदे सीधे, उनको आगे लेकर के आएंगे, एक फंदे उल्टे, उनको पीछे लेकर के जाएंगे, एक फंदे सीधे, उनको आगे लेकर के आएंगे, एक फंदे उल्टे, उनको पीछे लेकर के जाएंगे, एक फंदे सीधे, उनको आगे लेकर के आएंगे, एक फंदे उल्टे, उनको पीछे लेकर के जाएंगे, एक फंदे सीधे, और ये लास्ट का जो फंदा है इसे हम सीधा बुन लेंगे, एजेज वाला। रो टू देखिएगा, पहला फंदा हम उतार लेंगे, एक फंदे उल्टे बुनेंगे। अब देखिएगा ये फंदा हमें इस साइड से सीधा दिख रहा है, तो सीधा दिख रहा है तो हमें क्या करना है, उनको हम पीछे लेकर के जाएंगे इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ से हम इस साइड से हम नीडल को ले जाएंगे और ये जो है पीछे से फंदा को हम इस प्रकार से उतार करके और इस प्रकार से घुमा करके लेकर के आएंगे और फिर हम एक फंदे सीधे बुनेंगे। फिर हम उनको आगे लेकर के आएंगे, एक फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर से हम उनको पीछे लेकर के जाएंगे। अब ये सीधा वाला फंदा है हमारा, तो हम नीडल को इस प्रकार से ले जाएंगे और पीछे से हम इसे इस प्रकार से उतार लेंगे और इस प्रकार से हम घुमा करके लेकर के आएंगे और इसे हम एक फंदा सीधा बुनेंगे। उनको आगे लेकर के आएंगे, एक फंदे उल्टे बुनेंगे, उनको पीछे लेकर के जाएंगे। अब फिर से हम नीडल को पीछे लेकर के जाएंगे और पीछे से ही ये सीधा वाला फंदा को हम उतार के इस प्रकार से घुमा के लाएंगे और फिर इसे लेफ़्ट नीडल पे लेकर के हम इस फंदे को सीधा बुन लेंगे। फिर हम उनको आगे लेकर के आएंगे, एक फंदे उल्टे बुनेंगे, उनको पीछे लेकर के जाएंगे। फिर से ये सीधे वाले फंदे को हम पीछे से इस प्रकार से नीडल से उतार करके हम इसे आगे लेकर के आएंगे घुमा करके और फिर इस फंदे को हम लेफ़्ट नीडल पे लेकर के इस फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। फिर उनको आगे लेकर के आएंगे और एक फंदे हम उल्टे बुनेंगे, फिर उनको पीछे लेकर के जाएंगे और ये फंदा सीधा है तो हम नीडल को पीछे की ओर से लेकर के जाएंगे और इस फंदे को हम उतार करके नीडल से इस प्रकार से घुमा करके लाएंगे और इस फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। फिर लास्ट के फंदे जो हैं उनको हम आगे लेकर के आएंगे और उल्टे बना लेंगे। रो थर्ड हमारी कंप्लीट हो गई है, सॉरी रो सेकंड हमारी कंप्लीट हो गई है। रो थर्ड देखिएगा, पहला फंदा हम उतार लेंगे और एक फंदे सीधे बुनेंगे, उनको आगे लेकर के आएंगे, एक फंदे उल्टे, उनको पीछे लेकर के जाएंगे, एक फंदे सीधे, उनको आगे लेकर के आएंगे, एक फंदे उल्टे, उनको पीछे लेकर के जाएंगे, एक फंदे सीधे, उनको आगे लेकर के आएंगे, एक फंदे उल्टे, उनको पीछे लेकर के जाएंगे, एक फंदे सीधे, उनको आगे लेकर के आएंगे, एक फंदे उल्टे, उनको पीछे लेकर के जाएंगे, एक फंदे सीधे, उनको आगे लेकर के आएंगे, एक फंदे उल्टे, उनको पीछे लेकर के जाएंगे, एक फंदे सीधे, और उनको आगे लेकर के आएंगे, लास्ट फंदा हम उल्टा बना लेंगे। रो थर्ड हमारी कंप्लीट हो गई है। रो फोर्थ देखिएगा, पहला फंदा हम उतार लेंगे और उनको आगे लेकर के आएंगे, सारे फंदे हम उल्टे बनाएंगे रो फोर्थ में। रो फिफ्थ देखिएगा, पहला फंदा हम उतार लेंगे, उनको आगे लेकर के आएंगे और सारे फंदे हम उल्टे बुनेंगे।
लास्ट का फंदा इसे हम सीधा बना लेंगे। रो सिक्स देखिएगा, पहला फंदा उतार लेंगे और सारे फंदे हम उल्टे बुनेंगे। लास्ट का फंदा इसे हम उल्टा बना लें। ये देखिए जो है हमारा बॉर्डर बन करके तैयार हो गया है। देखिए कितना खूबसूरत बॉर्डर बना है। तो फ्रेंड्स, आप इस बॉर्डर को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये एक से लेकर के 6 सिलाइयों की बॉर्डर है। और हमें बताइएगा कि ये बॉर्डर आपका किस कैसा बना है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।